Panginoon, maaf lo kong kasamartan sa atin. Maaf lo kong kasamartan sa atin. Maaf sa pasayon sa atin. Ki jo lo kong kate sa pinahan ko patalenge. Jo lo kong kate ala chan ko patalenge. Maaf lo kong kasamartan maangne ke liye ho. Ki 2019 mein hum sab log mil karke unhi ko rok denge. Na hum rahenge. Na hum sabhi jana ala chan par haath lagane ki wo jurat kar payenge. Humko iski taiyari karni ho. मैं केपी चौधरी जी से अनुरोध करूंगी, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों से मैं अनुरोध करूंगी, चाहे वो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो राजनीतिक संगठन के लोग हो, अगर वो बहुजन समाज के लोग हैं, तो आप लोग साइकिल उठाकर मोटरसाइकिल उठाकर जहां पर देश का 85% बहुजन समाज का वोट भरा पड़ा है, आप सब लोग मिलकर के उनको तैयार करो कि 2019 में तैयारी करनी होगी, हमको उनके पास जाना होगा। इसलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करने के लिए आई हूँ, क्या पिता तुम बुजुर्गों, आए माताओं बहनों भाइयों, आज संविधान न होता तो आज मंच पर हमारे सम्मानित लोग कोट पैंट जूता मोजा के साथ आज शान से बैठे हुए हैं। आज हमारा समाज ताल कटोरा जैसे हाल में बैठा हुआ है। जब संविधान नहीं था तो गले में हाड़ी थी, कमर में झाड़ू था, कमर में खट्टी थी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस व्यवस्था को खत्म करके आपको कोट पैंट जूता मोजा और जिस गले में हांडी हुआ करती थी उस गले में बहुजन समाज को टाई पहनाने का काम किया। यह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया। भाइयों बहनों, जिस कमर में झाड़ू हुआ करता था बहुजन समाज के लिए, उस कमर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आपको रिवाल्वर पहनने का अधिकार दे दिया। हमारे समाज के लोग आज अधिकारी कर्मचारी, चाहे वो डीएम हो, चाहे वो एसपी हो, एसडीएम हो, तहसीलदार हो, नायब हो, लेखपाल हो, कानवो हो, सिपाही हो, दरोगा हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, प्रधान हो, जिला पंचायत हो, विधायक हो, सांसद हो, एमएलसी हो और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री बनने का अगर सपना देखा है तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए गए भारत के संविधान के तहत देखा है। हमको आपको चुप नहीं रहना है, हमको आपको चुप नहीं रहना है। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी लोकसभा में संविधान समीक्षा की समिति बनाए थे और जैसे माननीय कांशी राम साहब को पता चला कि संविधान की समीक्षा करना चाहते हैं, वैसे माननीय कांशी राम साहब ने अपने बहुजन समाज के लोगों से मिलकर के और उन्होंने एक ओर से अटल की सरकार गिराने का काम किया था। मैं माननीय कांशी राम साहब की बेटी हूँ, मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बेटी हूँ। जैसे मुझे